सिवनी जिले में कोरोना महामारी के उभरने और शीत ऋतु में शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 20 दिसंबर रविवार को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भैरवगंज में स्थित फुटबॉल स्टेडियम मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हर उम्र के खिलाड़ियों ने खेलों में हिस्सा लिया। जिला एथलेटिक्स और मास्टर एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पहले अतिथियों की मौजूदगी में प्रतियोगिता का दोपहर 12 बजे विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में जिला एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मास्टर संघ के अध्यक्ष जनक तिवारी, संभागीय खेल अधिकारी मकसूदा मिर्जा सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। प्रतियोगिता में 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने स्पर्धा में हिस्सा लेकर खेलों में अपना जोहर दिखाया है। कोविड-19 गाइडलाइन के तहत आयोजित खेल स्पर्धा में खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सिवनी से मेहबूब अंसारी की रिपोर्ट। आज सिवनी जिला स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें सिवनी जिला के कोने कोने से आए हुए छात्र स्टूडेंट ओपन प्रतियोगिताएं रखी गई। ओपन प्रतियोगिताओं में गोल फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद और रेस रखी गई। मिनी जूनियर सीनियर यहां पर रेस रखी गई, जिसमें सिवनी जिला के कोने कोने से आए हुए छात्रों ने यहां पर प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो आगे मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा उनको आगे नेशनल और राष्ट्रीय स्तर नेशनल स्तर खेलने को मिलेगा, ताकि जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उनके ड्यूटी सर्विस या फोर्स में उनको जाना होगा तो उनके लिए बहुत ही कीमती होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।